देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर वन शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ऑक्सीजन का राम नाम सत्य है, हमें यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमने, आपने, हम सब ने 3 महीने पहले वो दौर देखा है जब लोग सड़कों पर गश खाकर गिर रहे थे, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, अस्पताल कह रहे थे कि उनके यहां बगैर ऑक्सीजन के मरीज मर रहे हैं, सरकारें ऑक्सीजन के लिए कोर्ट का रुख कर रही थीं, लेकिन संसद में राज्यों के हवाले से केंद्र ने दर्ज कराया है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई। तो फिर क्या ऑक्सीजन के अभाव में मर गए लोग झूठे थे? मर चुके मरीजों के परिजनों का दर्द झूठा था? अस्पतालों में बिलकते, बेबस, बदहवास लोग झूठे थे? उस बुरे दौर को जरा याद कीजिए, आपके मुंह से बरबस निकल जाएगा ऑक्सीजन का राम नाम सत्य है। ये चीख पुकार झूठी थी, झूठी थी आंसुओं की धार, झूठी थी मरते हुए आदमी के सीने में अटकी हुई आखिरी सांसें, झूठी थी एक एक सांस के लिए तरसते तड़पते आदमी की पीड़ा, झूठी थी अस्पतालों की दलील कि ऑक्सीजन नहीं है, झूठी थी हाई कोर्ट की फटकारे कि ऑक्सीजन दिलाओ, झूठी थी बगैर सांस के मर गए आदमी की लाशें, झूठी थी सोशल साइट पर सिलेंडर के लिए रियाते लोगों की आस, झूठी थी सिलेंडर के लिए कतारों में लगे बेबस बेचारे और बदहवासे लोग, सब झूठा था। सच ये है, हाँ ये सच है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की दीवारों के बीच बोला गया सच, लोकतंत्र के मंदिर के मीनारों और मेहराबों गलियारों की देखरेख में बोला गया सच, ये एक पन्ना सच का है, ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में बाकायदा रिकॉर्ड कराया गया है, इस सच के पन्ने पर ईमानदारी की स्याही से लिखा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ऐसा राज्यों ने केंद्र को बताया है। देखिए, मैं तो एक बात समझता हूँ कि जिस किसी ने भी मंत्री महोदय को ये जवाब तैयार करके दिया है वो संभवतः उसकी संवेदनाएं मर चुकी है, कमी नहीं है कहूंगा। तो नहीं मरा कोई दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से? हम 10 बजे आए बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद हम घर चले गए, 3 बजे फोन आया कि आपके है ही नहीं, पेशेंट खत्म हो गए, हार्ट काम नहीं कर रहा। हमने कहा 10 बजे ठीक थे, जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते जी हमने छोटे सिलेंडर से दिया, अरे इतना NIV पे इतनी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए छोटे सिलेंडर से, पेशेंट उधर तड़फ रहा है, 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए। तो नहीं मरा कोई भी अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में बगैर ऑक्सीजन के? ये आदमी झूठा है जनाब, सरासर झूठा, ये झूठ बोल रहा है कि इसके घर के 6 सदस्य बगैर ऑक्सीजन के मर गए। पुलिस के सामने ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते आदमी का परिजन मरा या नहीं, अब क्या फर्क पड़ता है? मरा भी होता ऑक्सीजन की कमी से तो कौन सा कोई कुछ कहता? लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत के लाचारगी के बीच का ये मातम झूठा है, झूठे हैं ये लोग जो कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो तड़पा तड़पा के मत मारो, हमें जहर दे दो। अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन से साहब, और इससे कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, कल से लाइन लगे भूखे प्यासे पड़े पैसा भी जेब में। हमारा पापा भर्ती था, क्या हुआ, खत्म हो गए भैया। ये सब साजिशन झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सच तो अब बोला गया है कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से, ऐसा राज्यों ने केंद्र को बताया है और केंद्र ने संसद में दर्ज कराया है। मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है,
ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हो गई है। कोई जान ही नहीं पाया, न केंद्र सरकार जान पाई, न राज्य सरकार आंकड़े बता पाई, न मंत्री न संतरी। गोरख पांडे यूं ही नहीं लिख गए कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। आज तक ब्यूरो हर मुद्दे पर एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाने वाले हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। गजब की एकता है कि बीजेपी वाले भी मानते हैं कि उनके सूबे में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि उनके सूबे में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई नहीं मरा, और केंद्र सरकार धर्मराज युधिष्ठिर हो गई है, उसने मान लिया है कि राज्यों ने जो कहा वो सच कहा है, इसीलिए केंद्र सरकार ने भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया। तो आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगी कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तो वो सदन में दर्ज बयान भी पढ़ेंगी कि उस लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मुझे बहुत दुखद रूप से ये देखने का मौका मिला कि ऑक्सीजन न होने के कारण हॉस्पिटल के कंपाउंड वॉल के बाहर लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिली। तब नितिन गडकरी को नहीं मालूम था कि महज 3 महीने बाद ऐसा समय आएगा जब लोकसभा में उनकी बातों को झूठा ठहरा दिया जाएगा। संसद में जो सरकार ने कहा है उसका अर्थ यही है कि नितिन गडकरी का सच दरअसल झूठ है। तो सतरंगी लोकतंत्र की जय, जहां अपने मन माफिक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं, एक हो जाती है उनकी राजनीति, एक हो जाती है उनकी सोच, एक हो जाता है उनके बोलने का तरीका। ऑक्सीजन की कमी पर होने वाली मौत पर राजनीति संगठित हो गई है। तो लखनऊ की तरसती तड़पती और दम तोड़ती निगाहों को झुठलाइए। आगरा में अपने मरते हुए कोरोना संक्रमित पति को सांस देने की कोशिश करती रेणु देवी की इस तस्वीर को भी झुठलाइए। वाराणसी में बगैर ऑक्सीजन के ऑटो पर पड़े इस मरे हुए आदमी की तस्वीर को भी झुठलाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सच वो है जो संसद में केंद्र सरकार ने कहा है। पटना के PMCH में ऑक्सीजन के लिए तरसते तड़पते दम तोड़ते अगर अब तक आपको याद है तो अब भूल जाइए, क्योंकि बिहार में तो ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं थी, और कमी नहीं हुई थी तो मौत का सवाल ही कहां उठता है, क्यों मंत्री जी, है ना सर? मौतों के आंकड़े को लेकर के जो सरकार के उस पर आपका क्या कहना है, इतना बता दीजिए जी। सरकार जो कह रही है, कोई सूचना नहीं हमारे पास नहीं, इसको लेकर के जो कहा गया है कि जो मौत ऑक्सीजन की वो केंद्र सरकार में कैबिनेट में कहा गया, हमारे पास नहीं है कोई सूचना। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। अस्पताल चिल्ला रहे थे कि हमारे मरीजों की जान खतरे में है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन दिला दीजिए। लेकिन मजाल है कि मंत्री जी मान ले, कैसे मान ले, झूठ को कौन मान सकता है, सच तो वो है जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज की मौत नहीं है? ना, जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उस सच के झंडाबरदार बन गए हैं जो केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है, और इस सच को झूठ बता रहे हैं कांग्रेस के नीति नियंता। तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है, झूठ की अदालत में सच। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि केंद्र सरकार ने झूठ बोला है। मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। ट्विटर पर केंद्र से सवाल करने वाले भाई बहनों ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछा कि आपके सूबे में बगैर ऑक्सीजन से जिनकी मौत हुई उनका आंकड़ा आपने केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि
ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, दो चार मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि बगैर ऑक्सीजन के यहाँ कोई मरा ही नहीं। दिल्ली में तो मौत का मातम सबने देखा, ऑक्सीजन की किल्लत सबने देखी, खुद दिल्ली सरकार हर तीसरे दिन कोर्ट में खड़ी मिली थी कि लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन दिल्ली ने भी केंद्र को आंकड़ा नहीं भेजा और आंकड़ा न भेजने के पीछे पर्देदारी देख लीजिए। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाईकोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है, केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले पे नमक तो न छिड़के। यही चरित्र है सियासत का, आम आदमी जिंदा है तो वोट है, आम आदमी मरकर भी फायदा पहुंचा रहा है तो आंकड़ा है, आम आदमी मरकर भी फायदे का नहीं है तो आंकड़ा भी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मरे हुए लोगों के परिवारों का दुख आज फिर से ताजा है, क्योंकि संसद में सच बोला गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। उन तमाम परिवारों को ईश्वर ये असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति एक बार और दे। आज तक ब्यूरो। ये कितना अफसोसनाक है कि ऑक्सीजन के बिना मरने वाले लोगों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान एक जैसे हैं, लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि विपक्षी सूबों के मुख्यमंत्रियों ने बिना ऑक्सीजन के मरने वालों का आंकड़ा तो नहीं बताया, मगर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है। Died due to the shortage of oxygen. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is the, actually, he misguided and misled the house. Giving false information to the house. देश ने देखा गुजरात में ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें हुई, देश ने देखा गाजियाबाद हो, नोएडा हो, NCR हो, लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए, कई कई लाशें वहाँ नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो, कितने लोगों को, कितने लोग हमसे पिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकार से, सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताएं। बेहद मुश्किल है उन लोगों के लिए ये दर्द सहना जिन्होंने ऑक्सीजन के अभाव में अपनों को खोया, मगर क्या करें, राजनीति का यही दस्तूर है, अपने हक की राजनीति हमेशा सर्वोपरि होती है। और ऐसा ही एक राजनीति ममता बैनर्जी की ओर से भी शुरू कर दिया गया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भरोसे से भरी ममता बैनर्जी ने अपने पर खोल दिए हैं, अब वो उड़ान भर रही हैं 2024 के आकाश के लिए। ममता बैनर्जी ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में शहीद दिवस के नाम पर 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन इन 24, बट फ्रॉम नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्किंग और प्लानिंग फ्रॉम नाउ। हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं, जो डरते हैं वो मरते हैं। सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू में कतील में है। खेला होबे, ये ममता की हुंकार है। खेला होबे, जो अब दिल्ली को ललकार रही है। खेला होबे, ये दीदी की दहाड़ है जो अब बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है। खेला होबे, कभी खत्म हो जाएगा तो उसका बाद में हम एक बहुत बड़ा रैली
ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी, हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे। इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बाँधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए आइए हम जोट बाँधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े। टीडी ने 2024 का टारगेट सेट कर दिया है, महागठबंधन का आह्वान किया है। कोरोना हो या फिर जासूसी विवाद, हिंसा हो या फिर रोजगार का मुद्दा, टीडी पूरी तरह से केंद्र पर हमलावर थी। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा, फोन लगा के क्या करेगा, कैमरा में पूरा तुल लेता है, हम ऑडियो में भी बात करते हैं, तो फेस टाइम में भी करते हैं, तो वीडियो में भी करते हैं, तो मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, क्यों कहूं विश्वास करते पाचे ना। मैं तो कहनी चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस आप देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बढ़ गया छे, शुद्ध गोली चलाओ, हम सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलछे। गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलछे, यही भावे देश चलते पड़े ना। ममता बनर्जी बोल तो कोलकाता से रही थी, लेकिन उनको देश के 5 से ज्यादा राज्यों में देखा और सुना गया। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण का सीधा प्रसारण किया गया और टीएमसी समर्थकों ने दीदी के एक एक लफ्ज पर तालियां पीटी। ममता का भाषण यूपी, गुजरात समेत देश के 32 जिलों में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बरेली में ममता के भाषण का सीधा प्रसारण हुआ। ममता ने खुद बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इस बार ममता ने सीधे गुजरात में सियासी घुसपैठ की है। ममता के पोस्टर गुजरात की सड़कों पर पटे पड़े हैं, हालांकि अहमदाबाद में ममता के पोस्टरों को आज सुबह हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में अब ममता दीदी खेला करने की तैयारी में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्चुअल रैली है वो यहाँ पे लाइव दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो टीएमसी आज के दिन शहीद रैली करती है और वही यहाँ पे वर्चुअली दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो टीएमसी के यहाँ पे बहुत कम कार्यकर्ता है, लेकिन जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता है उनको ये रैली दिखाई जा रही है। ममता के शहीद दिवस के जवाब में बीजेपी नेता दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर जुटे, जहां बंगाल चुनाव की हिंसा का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी हिंसा में विश्वास नहीं करता है, ना हिंसा को मदद देता है। बंगाल में जो हिंसा कई सालों से चल रहा है, टीएमसी उसके एकदम अंतिम पर्याय तक ले गया है, जो कि लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद लगभग 45 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कल भी रायगंज में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, पेड़ में टांग दिया गया है। निशंक रूप से हमारे 175 कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहते हैं हम। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता इनकी अगुवाई कर रही थी। तब से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती रही है, लेकिन इस बार ये शहीद दिवस का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि अब खेल सिर्फ बंगाल का नहीं है, अब सियासत सिर्फ विधानसभा चुनाव की नहीं है। बंगाल विजय के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। कल तक जिस दीदी के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती थी, आज वो दिल्ली को ललकार रही हैं। ये 2024 के लिए ममता का शक्ति प्रदर्शन है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीए एनआरसी को लेकर बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि इससे किसी भी मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि अगर लोगों की राय ली जाती तो फिर बंटवारा नहीं होता, बंटवारे के समय लोगों की सहमति नहीं ली गई। अब सीएएनआरसी
ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को CAA से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे शंखनाद में। जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे गुरु हो गए शुरू, हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक।